देखिए, कह रहा है कि सिल्वर आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मतलब सिल्वर के जो कुछ ऑब्जेक्ट अगर होंगे, जैसे कि क्वाइन होता है, ऑर्नामेंट्स होते हैं, है ना, ज्वेलरी होती है सिल्वर की, तो उनकी बात कर रहे हैं। आर्टिकल्स मतलब कुछ सामान जो सिल्वर से बना हो। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम्स ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द एयर, टू एयर, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। देखिए बच्चों, ध्यान से चेक करिए कि ये जो आपकी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है, इस मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर नीचे आता है। मतलब ये रिएक्ट तो नहीं करता है जल्दी से, ये जल्दी से रिएक्ट तो नहीं करता है, लेकिन अगर काफ़ी समय तक के लिए सिल्वर एयर के कांटेक्ट में हो, मतलब सिल्वर का ऑब्जेक्ट आप खुला छोड़ दें, ठीक है, साल दो साल के लिए, ठीक है, तो जो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एयर होगा, मींस लंबे समय तक एयर के कांटेक्ट में अगर ये सिल्वर आ गया है, तो एयर में एक स्पेशल गैस प्रेजेंट होती है, दैट इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है H2S, ये गैस होती है। तो सिल्वर क्या करता है स्टूडेंट्स, ये जो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो सिल्वर के जो एटम्स होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सिल्वर सल्फाइड, यानी कि Ag2S। अब सिल्वर सल्फाइड का तो फॉर्मूला बना लोगे ना, कैसे? सिल्वर पे क्या होता है? प्लस वन, और सल्फाइड आयन टू माइनस होता है, S2 माइनस सल्फाइड आयन, ये टू इधर वन इधर, तो Ag2S, और साथ में क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है, तो साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस, और ये सॉलिड के फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर आपको इसको बैलेंस करना हो, बैलेंस कर लीजिए, 2Ag, ये गैस, ये सॉलिड, और ये बैलेंस हो गया, चेक करो, हाँ बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स, तो ध्यान चेक करो, सिल्वर, सिल्वर के एटम, ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कहाँ से आई? एयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, और एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन जाता है, एक ब्लैक कलर का कंपाउंड बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिल्वर सल्फाइड। तो इसी सिल्वर सल्फाइड Ag2S की वजह से आपका जो सिल्वर का आर्टिकल होगा, वो उसकी अपीयरेंस कैसा हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा, मतलब वो टार्निश हो जाएगा। टार्निश मतलब उस पर कलंक लग गया, एक तरीके से बोल, कलंक लग गया का मतलब क्या हो गया? ब्लैक हो गया, मतलब कलंक लगना होता है। जैसे टार्निश का मतलब यहाँ पर क्या है? टार्निश का मतलब है उस पर जो है उसका कलर, उसकी शाइन, जो उसकी शाइन है वो चली जाएगी, वो ब्लैक दिखाई पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, देखिए अब यहाँ पर आप सीधे जाकर टिक लगा देंगे किस पे? सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एयर, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बन जाता है? सिल्वर नाइट्राइड, Ag3n का मतलब सिल्वर नाइट्राइड। सिल्वर नाइट्राइड बनता है कि सिल्वर ऑक्साइड बनता है कि सिल्वर सल्फाइड बनता है, ठीक है, कि सिल्वर सल्फाइड और सिल्वर नाइट्राइड दोनों के कारण ऐसा होता है। तो बहुत ही स्पेशली बच्चों, हमने जब प्रोजन ऑफ सिल्वर पढ़ा, उस टॉपिक में हमने ये पढ़ा हुआ है बहुत ही स्पेशली कि सिल्वर एयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसका कलर अपेयरेंस कैसा होता है? जिसका ब्लैक होता है। तो आप गलती से भी किसी और ऑप्शन पर टिक नहीं लगाइएगा, आप ऑप्शन सी पर टिक लगाएंगे, सिल्वर सल्फाइड पर। रिएक्शन मैंने यहाँ पर आपको दिखा दी, ठीक। एग्जाम में थ्योरी में आए तो आप कैसे लिखो? उसने पूछ लिया कि भैया ऐसा क्यों होता है, थ्योरी में पूछ लिया, तो आप लिखोगे, यहाँ हमने नोट लगा दिया कि सिल्वर ऑब्जेक्ट्स बिकम स्लोली, सॉरी, सिल्वर ऑब्जेक्ट्स कंबाइन स्लोली विद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म अ ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, और सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? Ag2S, करेक्ट। उसके बाद आपको ये रिएक्शन ही लिखनी होगी। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में याद रहे, आप भूलो नहीं, इसलिए मैं अब आगे कुछ बताने जा रहा हूँ, उसको भी आप ध्यान से चेक करिए, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में कभी भूलेगा ही नहीं। देखिए कैसे नहीं भूलेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक मेथड होता है टार्निश रिमूवल मेथड, क्या बोलते हैं इसको? टार्निश रिमूवल मेथड। ये आपको नहीं पढ़ना है, कुछ बच्चों बोले कितना पढ़ा रहे हैं, ये नहीं पढ़ना है ना, ये पढ़ना नहीं है, बस देख लो हो जाएगा। देखो, टार्निश रिमूवल मेथड, सिल्वर का ऑब्जेक्ट है जो कि सिल्वर सल्फाइड की वजह से ब्लैक कलर का हो गया, ठीक। अब इसकी ब्लैकनेस आपको हटानी है, वापस इसको शाइनी करना है, चमकदार करना है, तो बताइए क्या करना पड़ेगा आपको? इस सिल्वर सल्फाइड में से किसको निकालना पड़ेगा? सल्फर को बाहर निकालना पड़ेगा किसी जुगाड़। अगर आप सल्फर बाहर, तो फिर से सिल्वर सिल्वर बच जाएगा और वो कंबाइंड फॉर्म में सल्फाइड सल्फर के साथ नहीं रहेगा, तो वो फिर से चमकने लगेगा, उसकी अपीयरेंस आ जाएगी। तो हमने क्या दिमाग लगाया? हमने ये दिमाग लगाया, ध्यान से चेक करके बच्चों, सिल्वर से रिएक्टिव कौन होता है? तो हमने क्या किया, ये जो सिल्वर सल्फाइड है, ध्यान से चेक करिएगा, सिल्वर सल्फाइड को Ag2S को हमने, ये मैंने बैलेंस रिएक्शन की है, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड को हमने एल्युमिनियम से रिएक्ट करा दिया, ठीक। तो एल्युमिनियम क्या करेगा? सिल्वर सल्फाइड के सिल्वर से रिएक्शन कर लेगा, बोला सॉरी, एल्युमिनियम सिल्वर सल्फाइड में मौजूद सल्फर से रिएक्शन कर लेगा। एल्युमिनियम सभी सल्फर के एटम को क्या बोलेगा? भैया तुम मेरे साथ आओ, मेरे साथ रिएक्ट करो,
और क्या बना देगा, Al2S3, जिसको हम क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम ट्राइसल्फाइड। ओके, तो इस तरीके से, और देखिए आपका सिल्वर फ्री हो गया, कोई डाउट है, बस Ag बचा सॉलिड फॉर्म में। तो इस तरीके से इस मेथड को क्या बोलते हैं, टार्निश रिमूवल मेथड। इस मेथड में क्या हुआ, इस मेथड में सिल्वर सल्फाइड का सल्फर निकल गया, केवल सिल्वर बच गया। निकाला कैसे, एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। ये हमने आपको इसलिए याद कराया ताकि आपको ये याद हो जाए कि हाँ भाई सिल्वर सल्फाइड के कारण कलर कैसा होता है, ब्लैक। कोई डाउट है बताइए, ये आपको नहीं पढ़ना है एग्जाम के लिए, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है एग्जाम के लिए, कर लीजिए।